तो गाइस यार आप लोग भी इस प्रकार के हेक्सागोनल सेल्स बनाना चाहते हो अपने घर पर, तो यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से इस प्रकार के सेल्स बना सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ मटेरियल की जो पड़ने वाली है, तो यहाँ पे जो है मैंने मटेरियल ले रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे चाहिए एक कार्डबोर्ड शीट, आप नॉर्मली से कोई भी कार्डबोर्ड शीट ले सकते हो, एंड साथ में आपको एक बुका चाहिए, आपको एक पेन चाहिए, एंड आपको एक ग्लू चाहिए। आप ग्लू को खास तौर पे ध्यान रखें, आपको फेविकोल ग्लू ही यूज़ करना है क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है। अदर ग्लू आप लोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड आपको एक कैंची चाहिए, तो आपको यही पांच मटेरियल चाहिए जिसकी मदद से आप लोग अपने घर पर हेक्सागोनल सेल्स बना सकते हो। सबसे पहले आपको इस हेक्सागोनल सेल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो है दरअसल जो है आपको यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई का खास तौर पे ध्यान रखना होगा। आपको जो चौड़ाई रखनी है वो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और लंबाई जो है आप लोग इजीली जो है साफ साफ करके लमसम 6 बार आप लोग को लेना है। आप लोग को जो है लंबाई लमसम 42 सेंटीमीटर लेनी है, एंड चौड़ाई जो है आपको सिर्फ 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखनी है। चलिए यहाँ पे जो है मैं लंबाई नाप लेता हूँ एंड चौड़ाई। यहाँ पे जो है मेरी नाप लग चुकी है, अब चलिए इसे हम लोग कैंची की मदद से काट लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो है ये पूरी तरीके से कट चुकी है, एंड जो हमने जो है यहाँ पे नाप लगाई थी, अब इस नाप पे जो है आपको इसको यहाँ से मोड़ना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने टिक लगाए हुए हैं, जो लमसम जो है 6-7 सेंटीमीटर के मैंने यहाँ पे टिक लगाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। आपको जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक एक निशान लगा देना है, एंड उस निशान को आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से बेंड कर देना है। यहाँ पर बेंड होने के बाद आप जो है हम लोग इसे इस तरीके से मोड़ देंगे ताकि ये जो है इसकी शेप अच्छी से अच्छी आ सके। मैंने इस शेप को मोड़ लिया है, तो बेंड करने के बाद अब जो है आप लोगों को इनके सारे एंगल जो है ये सारे आप लोगों को एक साथ जोड़ देने हैं, एंड जोड़ने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पाओगे आप लोग कुछ इस प्रकार का जो है हेक्सागोनल आकार आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको इसकी टेपिंग कर देनी है, एंड टेपिंग करने के बाद आपको सेम आकार का जो है एक और दूसरा बनाना है, बट आपको उसकी जो है थोड़ी सी लंबाई कम रखनी है। यहाँ पे हमने 42 सेंटीमीटर लंबाई ली है, तो आपको उसकी लंबाई को थोड़ा सा कम करके यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसकी टेपिंग कर देता हूँ। सबसे पहले तो यानी है कुछ इस प्रकार से आप पकड़ के यहाँ पे जो है इसमें टेप आप लोग लगा सकते हो, एंड टेप लगाने के बाद आपको जो है यहाँ पे 2 टेप लगा लेने हैं, एंड लगाने के बाद जो है आपको एक सेम पीस इसी तरीके से बनानी है। बट आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हमने इसकी 42 सेंटीमीटर लंबाई ली थी, तो आपको लमसम 6-6 करके लमसम आपको 36 सेंटीमीटर की दूसरा एक ऐसी प्रकार का जो है बनाना है, एंड बनाने के बाद आपको यहाँ पे उसको लगाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं एक दूसरा शेप बना लेता हूँ। आप देख पा रहे हो मैंने 6-6 सेंटीमीटर का मार्क यहाँ पे कर रखा है, एंड यहाँ पे आप जो है 6-6 सेंटीमीटर से ही जो है इसको बेंड करने वाले हैं। यहाँ पे जो है हमने बेंड कर दिया है, कुछ इस प्रकार से ही आपको जो है 2 यहाँ पे सर्कल बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे बेंड कर लेना है, तो आपको इसे अच्छे से बेंड कर देना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा हेक्सागोनल है एंड एक छोटा सा है। आपको जो है बड़े वाले के अंदर छोटे वाले को डालना है, एंड डालने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस आकार का बनाना है। तो यहाँ पे जो है इनके बीच थोड़ा सा गैप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग करना क्या है, आप लोग उसी दफ्ते को काटना है, एंड यहाँ पे जो है ग्लू की मदद से आप लोग इनको चिपका देना है। इन चिपकाने के बाद जो है आप लोगों को इसके बीच में आप लोगों को इनको लगा देना है, ताकि ये जो है यहाँ पे जो आपको गैप देखने को मिल रहा है वो गैप यहाँ पे हट सके। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको लगा दिया है, एंड इसी तरीके से जो है मैंने काफ़ी सारे काट रखे हैं, तो यहाँ पे मैं सारे जो है इसमें गैप में भर दूंगा। यहाँ पे जो है पूरे तरीके से सेट हो चुका है, अब इसे हम लोग थोड़ा सा 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, तो सूखने के बाद हम लोग वापस से इसमें काम करेंगे। फिलहाल ये सूख चुका है, आप लोग देख पा रहे हो लमसम ये सूख गया है। अब हम जो है आगे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी कार्डबोर्ड शीट चाहिए होगी, तो आपको क्या करना है, आपको इस जो है हेक्सागोनल सेल जो आपने बनाया है आपको इस कार्डबोर्ड शीट में रखनी है, एंड यहाँ पे आपको जो है इसकी नाप लेनी है, बाहर से या अंदर से नाप लेके आपको इसे कट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसकी नाप ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है, अब जो है हम इसे यहाँ से पूरी तरीके से कट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसे हम लोग कट कर लेते हैं। कट चुका है, अब जो है आपको इसको यहाँ पे रखना है,
एंड इसको आप लोग को इसके ऊपर सेट करना है एंड ब्लू कलर से आप लोग को इसको यहाँ पे चिपका देना है। तो यहाँ पे जो है ये लमसम सेट हो चुका है, अब जो है इसे ब्लू कलर से यहाँ पे चिपका दें। यहाँ पे जो है लमसम ड्राई हो चुका है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो कुछ इस तरीके का डिजाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप लोग को जो है लास्ट काम यहाँ पे करना क्या है, आप लोग को इस ब्लू की मदद से जो है, ये जो मैं ब्लू दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को इस ब्लू की मदद से यहाँ पे जो है आपको इसके चारों तरफ जो है न्यूज पेपर लगा देना है। तो न्यूज पेपर लगाने के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा लुक। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो न्यूज पेपर जैसे ही आप लगा दोगे तो आप लोग कुछ इस तरीके का लुक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सिर्फ पहले से ही आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे तीन पहले बनाए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आप लोग कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इनका लुक देख पा रहे हो, कितना गजब का जो है इनका देखने में लुक आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का ही आप लोग के भी लगेंगे जब आप लोग इनको पूरी तरीके से कम्प्लीट कर लोगे।